Good morning, student class of class 7. Today we again start chapter 8a. So we completed up to the question number 4. So today we start with the 5 number. Okay, so hum log 5 number se start karte hain. So 5 number kya bola, dhyan dijiyega. A is to B, 3 is to 5 hai. B is to C, 10 is to 13 hai. हमको निकालना है A is to B is to C. देखिए कैसे निकालते, ध्यान दीजिएगा. इसके मेरे पास अच्छा सा रूल है, आपको उसको फॉलो करेंगे हम लोग. देख लीजिए, A is to B का वैल्यू क्या है, 3 is to 5. B is to C का वैल्यू कितना है, 10 is to 13. देखिए ये मैथ बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारे तरीका फॉलो कर सकते हैं. तो एक तरीका आपको हम सिखाते हैं. सबसे पहले दोनों बी है आपका, बी बी तो सेम है यहाँ पे, तो दोनों बी में पहले हम लोग टिक कर लेंगे. क्या कर ली, दोनों भी टिक कर ली. अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद इस पूरा को इस टिक वाले से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, क्या बोले बात को ध्यान दीजिएगा, इस पूरे वाले को क्या करेंगे, इस टिक वाले से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर क्या होगा, इस पूरे को हम लोग इस टिक वाले से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करना. देखिए तो नया निकल के आएगा एस टू बी, तो क्या बोले ध्यान दीजिएगा, ये पूरे वाले को इस टिक वाले से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या हो गया, थ्री को किए 10 से 30, कोई दिक्कत नहीं. इस टू फिर से अगर 5 को किए तो 10 से क्या हो गया, 50. ठीक है, फिर करेंगे बी इस टू सी. अब क्या बोले, इस पूरे वालों को किससे करेंगे, हम लोग इस टिक से करेंगे. तो 10 इंटू 5 क्या हो गया, 50 इस टू, और 13 को किससे करेंगे, 5, तो 35 कितना हो, 65. ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहे ए इस टू बी इस टू सी, तो आप खुद बोलिए ए का वैल्यू कितना है, 30. बी का वैल्यू देखिए दोनों सेम हो गया, 50 लिख सकते हैं, और सी कितना हो गया, 65. अब यहाँ से हम काट के इसको छोटा भी कर सकते हैं. तो 5 टेबल कट रहा है, 5 6 जा हो गया, 5 10 जा हो गया, और ये 13 हो गया आपका. ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया, 6 इस टू 10 इस टू 13. कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक. अब इसके हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो आप लोग कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, इसको पढ़ के ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या बोला गया है. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको ध्यान दीजिएगा, डिवाइड 360 रुपीज बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशियो ऑफ 7:8. यानी 360 रुपया को बांटना है, कुणाल और मोहित को बांट देना है इस रेशियो में. तो इस मैथ को तरीका क्या करने का, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रेशियो को लिख लेंगे, या आप ऐसे लॉन्ग कट लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ कुणाल एंड मोहित कितना है, 7:8 है, कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद लिख लेंगे टोटल रुपीस कितना है हमारे पास. ठीक है, रुपीज कितना है पास, 360 है. ठीक है, तो फर्स्ट है कुणाल, फिर है मोहित, कोई दिक्कत नहीं यहां तक. तो हम लोग लिखेंगे, हाँ तो पहले कुणाल को लिखेंगे, कुणाल को कितना रुपये मिला, देखो रुपीस इन रुपीस ऑफ कुणाल, मैंने कितना रुपया कुणाल को दिया गया. तो कुणाल को कितना रुपया मिलेगा, ध्यान देना है आपको कैसे निकालते हैं. सबसे पहले कुणाल का रेशियो कितना है, 7 लिख लिए, डिवाइड बाय, दोनों को नीचे में ऐड करके लिखेंगे, तो 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया. ठीक है, इंटू क्या होगा, 360. काट लेते हैं, देखो आप ध्यान से इसके हम लोग, तो अगर 15 से इसको हम लोग कट करें हम लोग इसको, तो आप 15 2 30 दो बार में कट गया 30, तो हो गया 60, 5 6 60, 24 वाला कट गया. अब 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 4 20 28, हाथ बच गया, कैरी बच गया 2, 7 2 40 14, और 2 कितना हो गया, 16. इतना रुपीस किसको मिलेगा आपको, कुणाल को मिलेगा. अब बात करते हैं मोहित को, मोहित को कितना मिलेगा देख लीजिए, तो मोहित का रेशियो कितना है, 8 है, तो इसके लिए पहले क्या लिए, 8 लिख लिए, डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल, इंटू क्या होगा, 60 टोटल रुपीज़ इतना होगा आपके पास. इसमें से काटेंगे 24 होगा, 24 से 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 32, तो हाथ करीब बच गया 3, और यहाँ पर 16 और 3 कितने, 19 हो गया आपका, इतना रुपीस, कोई दिक्कत नहीं. इस प्रकार से कर लिए हम लोग, तो इस प्रकार से अच्छी तरह से दोनों का आंसर भी निकल गया हम लोग का. अब उसके हम लोग 8 नंबर थोड़ा ध्यान देते हैं क्वेश्चन में आपका, डिवाइड 880 बिटवीन राजन एंड कमल इन द रेशियो ऑफ दिस. अब देखिए यहाँ पे रेशियो ठीक नहीं किया हुआ है, तो आपको हम रॉफली बता दें इसमें तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. तो क्या क्या दिया हुआ, 1/5 इज टू 1/6 दिया हुआ है आपका. तो रेशियो ठीक करने का तरीका क्या है हमारे पास, ध्यान देंगे हम लोग.
सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोनों का नीचे वाला के एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6, ये कितना आएगा, 30 आएगा। फिर लिखेंगे 1/5 × 30, तो क्या हो गया 6, आंसर 6 आ गया। अब फिर क्या होगा, 1/6 × 30 कर लेंगे हम लोग, तो क्या आ गया 5, यानी 5, यानी अब रेशियो क्या हो गया 6:5, ठीक है। अब देख लीजिए, ध्यान देख लीजिए, रेशियो कितना हो गया यहाँ पे 6:5। अगर रेशियो को हम लोग ठीक कर लिए तो सिंपल सी बात है, और उस सेम मैथ है 7 की तरह 8 नंबर, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए आप लोग सारे क्वेश्चन। सबसे पहले आपको 6 नंबर करना है, 7 करवा दिए हम, ठीक है। उसके बाद ध्यान यहाँ पे आइए आप लोग, इसके बाद देख लीजिए 8 नंबर आपको करना है, ठीक है। 9 नंबर भी करना है आपको, 10 भी करना है, 11 भी करना है, 12 तो आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनाया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका आंसर भी देख लीजिए आप लोग, 8A का अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 8A का आपका आंसर है, देख लीजिए ध्यान से आपका, ठीक है। तो आज के वीडियो हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।